हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं टोनी मॉली का आई एम रेड वाइन शीट मास्क। तो टोनी मॉली जो है ये एक कोरियन कंपनी है और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं टोनी मॉली का कोई प्रोडक्ट जो है वो ट्राई करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसे ट्राई कर ही रही हूँ तो फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो भी कर लूँ। तो इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको बताऊँ तो एक शीट मास्क इनका जो है वो 21 ग्राम का होता है और आता है ₹100। तो स्टैंडर्ड प्राइस है, लेकिन कई बार अगर आप इसे नायका से ले रहे हैं तो आपको 5 पे 5 फ्री या 2 पे 2 फ्री ऐसे काफ़ी ऑफर होते हैं, तो उस ऑफर में ना आपको काफ़ी चीप मिल जाते हैं ये शीट मास्क, तो उस टाइम लेना काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। तो चलें हम इसे ट्राई करते हैं। तो हम बेसिकली इसे नीचे से यहाँ से पील ऑफ करेंगे, तो चलें। और काफ़ी छोटी साइज़ है, जनरली मैंने फेस शॉप के ट्राई किए हैं और है गार्नियर का ट्राई किया है, तो पैकेट काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन हम इसे भी देख लेते हैं। ड्रिप नहीं हो रहा है। ओके, एक बात मैं बताऊं, फेस शॉप और गार्नियर के जब मैंने शीट मास्क निकाले थे तो लिटरली उसमें से सीरम ड्रिप हो रहा था, सो इसमें नहीं हुआ है, बट वी विल सी हाउ नरिशिंग दिस इज़। और शीट मास्क लगाने से पहले ज़रूरी है कि आपका फेस जो है वो अच्छे से क्लेंस्ड हो और उसके बाद हम ये शीट मास्क यूज़ करेंगे। तो मैं इसे लगा रही हूँ। ऑफ़ कोर्स ये कोरियन शीट मास्क जो हैं ये मेरे फेस के लिए हमेशा ही थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि इनकी साइज़ थोड़ी अलग होती है, तो बस द बेस्ट वे यू कैन आप इसको आपके फेस पे ऐसे बिठा दीजिएगा। तो बस ये ठीक से अब लग गया है और इसे मैं ऑलमोस्ट एक 15-20 मिनट्स ऐसे ही अपने फेस पे रहने दूंगी एंड उसके बाद आई विल बी बैक और मैं अपने फाइनल थॉट्स जो हैं वो आपको ये होने के बाद दे दूँ। तो ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स हो गए हैं और अब मैं इसे निकाल देती हूँ। एंड दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक। और अब एक बार आप इसे निकाल देना तो बस जो भी बचा हुआ सीरम है आप उसको प्रॉपरली ऐसे आपके फेस पे थोड़ा एक मसाज कर लें। तो अगर मैं आपको इस शीट मास्क पे मेरी ओपिनियन दूँ तो इन टर्म्स ऑफ द शीट मास्क तो 3 चीज़ों पे मैं इसको जज करूँगी। सबसे पहली चीज़ तो एक हाइड्रेशन की लेवल। तो जनरली अगर आपने द फेस शॉप का शीट मास्क यूज़ किया होगा, इनिसफ्री का यूज़ किया होगा या फिर नायका का यूज़ किया होगा, तो इन सारे जो फेस मास्क हैं तो उनमें ना एक हाइड्रेशन की लेवल ओवर द टॉप होती है। लाइक सीरम इतना भर भर के होता है, लाइक जब आप ये शीट मास्क निकालते भी हैं तो ये कार्टन में ही इतना सीरम भरा होता है कि उसको भी अगर आप फ्रिज में रख ले तो अगले 2-3 दिन तक आराम से आपको दिन रात सीरम चल जाएगा। तो ये इस हाइड्रेशन की लेवल इस टिश्यू मास्क में डेफिनेटली कम है। सेकेंड चीज़ जो मैं अगर आपको इसकी बताऊँ तो ये बेसिकली एक प्योरीफाइंग मास्क है, तो इन टर्म्स ऑफ द प्योरीफाइंग फैक्टर फॉर द स्किन भी मुझे इतना कोई खास इफेक्ट नज़र नहीं आया, लेकिन द थर्ड पार्ट इज़ कि ये पोर्स को कम करता है साइज़ में। तो येस इन टर्म्स ऑफ प्योरीफाइंग द पोर्स, अगर आपके पोर्स ज़्यादा बड़े हैं तो उसको टाइटन करने में ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये टिश्यू मास्क यूज़ करने के बाद ना यहाँ पे और यहाँ पे मुझे डेफिनेटली एक वो खींचने का एक अनुभव हुआ है एंड व्हेन आई टच इट आल्सो आई डू नोटिस दैट स्लाइट डिफरेंस इन माय स्किन। सो इन टर्म्स ऑफ द टाइटनिंग ऑफ द पोर्स ये डेफिनेटली इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप एनलार्ज्ड पोर्स हैं आपके या आपको पोर्स की प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए ये जो स्पेसिफिक शीट मास्क है ये डेफिनेटली चल जाएगा। ओवरऑल अगर मैं टोनी मॉली के इस प्योरीफाइंग टिश्यू मास्क का अगर मैं रिव्यू करूं तो आई विल गिव इट लाइक अ 6/10।
क्योंकि आई लाइक माई शीट मास्क टू बी वेरी हाइड्रेटिंग, तो हाइड्रेशन के लेवल में ये खरा नहीं उतरा है. एंड ओवरऑल दिस इज जस्ट एन एवरेज शीट मास्क, सो आई विल पर्सनली नॉट रिकमेंड इट. लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ आपके पोर्स को टाइटन करने के लिए ये खरीदना चाहते हैं, देन येस दिस विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, और फिर आपके लिए ये डेफिनेटली इफेक्टिव हो सकता है. So I think overall that is my opinion about this particular sheet mask from Tony Moly. मैं definitely इनके एक और hydrating जो होते हैं, जो थोड़े dry skin के लिए होते हैं या rice वाले होते हैं, वो definitely in the future try करना चाहूँगी, just to see if ये specific mask है यही कम hydration वाला है. Because I always like to give all the brands a fair chance जब भी उनके products आते हैं. And that's it from me for this particular video. Hopefully आपको ये video जो है वो पसंद आया होगा. अगर इस sheet mask को लेके या ओवरऑल शीट मास्क को लेके आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम. मैं मिलूंगी आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.